Hi everyone, how are you? I am at the shoot. Guys, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ आज. वो गंजे वाला वीडियो है ना, जब मैं मैसूर में थी तब मैं मेरी फ्रेंड शैली बैंगलोर से जो है मैसूर से उसके साथ रो रही थी अपने दुखड़े. तो मेरी फ्रेंड शर्लिन चोपड़ा ने कब वो वीडियो बना लिया मुझे पता ही नहीं चला. बाद में वो कब वायरल हो गया मुझे पता ही नहीं चला. फ्रेंड्स, लोगों को ये कहना चाहती हूँ, पटकला हो, गरीब हो, कैसा भी हो पति, लॉयल हो, मैं प्यार करती हूँ, मैं आदिल से प्यार करती हूँ. और कुछ भी हो, डू अंडरस्टैंड, कुछ भी हो, पटकले इंसान नहीं होते क्या? बाल नहीं होते तो क्या हुआ? उसने मुझसे प्यार नहीं किया, मैंने तो प्यार किया था ना. मेरा प्यार रहेगा जारी और मैं कभी शादी भी नहीं करूंगी, क्योंकि बार बार आप दिल नहीं दे सकते, बार बार आप नहीं होता घर बसाने. हाँ, मुझे डर लग रहा है दोस्तों, वापस आएगा. आप लोग लिख रहे हो मुझे वापस जाना चाहिए या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने केस किया है उन पे, तो क्या वो मुझसे बदला लेंगे या अच्छी जिंदगी गुजारेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैं वापस जाऊंगी या नहीं. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने अभी तो काम करना शुरू किया है. उनका बहुत था, ये नहीं पहनना, वो नहीं पहनना, इस हीरो के साथ काम नहीं करना, उस हीरो के साथ काम नहीं करना. अरे तुम्हें पैसे भी चाहिए और मुझे काम भी नहीं करना है, और ये कपड़े पहनने भी नहीं है. कौन इन फिल्म इंडस्ट्री में मेरा कोई बाप थोड़ी ना बैठा है जो मुझे साड़ी पहना के काम करवाएगा, ग्लैमरस कपड़े नहीं पहनवाएगा. तुम्हें पैसे भी चाहिए कमा के घर में लाके, या तो आप पैसे आप कमाते ना, अब मुझे घर में बिठाते, वो भी नहीं चाहिए. कोई बात, मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे. आप तो मेरे आदिल, आप तो मेरे सारे पैसे ले लिए ना आदिल, सारे पैसे झूठा वादा करके कि बिजनेस करते हैं, ये करते हैं, वो करते दिए हुए. मेरी माँ को जिंदा करना है आदिल, मुझे बहुत खर्चा लगेगा. भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी माँ, डोंट डिस्टर्ब मी. तुम्हारे लिए मैं चोरी करूं? तुम चोरी तो तुम पहले से करते थे आदिल. मेरी माँ मर गई तो दोबारा नहीं आएगी आदिल. हेलो, मैंने तुम्हारा ठेका नहीं लेके रखा. स्टार्टिंग में प्यार होता है तो सर पे पलकों पे रखता है इंसान. ठीक है, ठीक है, बहुत आदिल ने बहुत, फिर भी मैं एक अच्छी बीवी की तरह सब झेला दोस्तों. मैंने मेरे हस्बैंड के लिए इस्लाम कबूल किया है, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, नमाज पढ़ूंगी अच्छी तरह ईमानदारी से, रोजे करूंगी ईमानदारी से. मैं बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट भी हूँ, वो तो मैं नहीं छोड़ सकती. जिंदगी जीऊंगी अकेले, दर्द है बहुत, काम करूंगी. अब अकेले जीना है, माँ मेरी रही नहीं है, जिसके लिए पैसे कमाने थे मुझे. आदिल ने बहुत सताया मुझे, आदिल को तो मैं मरते दम तक माफ नहीं करूंगी. ये सारी चीजें इसलिए बाहर लानी पड़ रही, क्योंकि लड़कियां हैं ना, उसके खूबसूरती पे जाती है, सूरत पे जाती है, बालों पे जाती है, उसको पटाने के लिए. तो मुझे तो गंजा हो या कैसा भी हो, मेरा पति मेरा है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा है. अल्लाह करे, खुदा करे, सुधर के आ जाए, ईगो निकाल के आ जाए, दोबारा वो सारी हरकतें ना करे, तो एक बार इंसान सोच सकता है. बट मुझे नहीं लग रहा. बट ये उन लड़कियों के लिए जो खूबसूरती पर जाती है, उनको लगता है कि बस पागल हो जाती है. नहीं, इसलिए ये सारी थैंक्स टू एवरीवन इन मैसूर कि उनका घर मुझे दिखाया, वहां पर लेकर गए और मुझे उनकी सारी हकीकत बताई. थैंक्स टू मैसूर पीपल, आई लव मैसूर पीपल. आप सोच नहीं सकते, कल मेरा गाना हो रहा था ना, इतना रोई हूँ गाने पर. लोग आंखों में टीयर्स लगाते हैं सीन्स के लिए, बट मैं
रियल रो रही थी। सॉरी आई मेकअप किया है, थैंक यू दादा आई मेकअप किया है आप। सॉरी दादा मेरे मेकअप आर्टिस्ट देखो बैठे यहाँ, मेकअप बोलते रो मत, आई मेकअप खराब हो जाएगा, नहीं रो रही हूं। बट स्ट्रांग हो रही हूं, इतना सदमा लग गया है मुझे शादी से, इतना चाहा था, मुझे नहीं लगता दोबारा वो इज्जत रिस्पेक्ट विश्वास लॉयल्टी मेरे अंदर आएगी आदिल के लिए। मेरे लोगों, मैं आप लोगों से इसलिए सब दिल की बात बताना चाह रही हूं, एक नहीं हो सकते दोस्तों, वो मुझे मार देगा, वो मेरा मर्डर कर देगा। आदिल ऐसा गुस्से वाला है, आपने आदिल को देखा नहीं है, एक दिन मैं नमाज पढ़ के उठी थी, उन्होंने पूरा मिरर मेरे सर पे मार दिया था, बॉडी पे, मैं तुरंत हॉस्पिटल गई थी, मिरर पे मार दिया था, मुझे धक्का मार का पीछे सीढ़ी पीछे लग गया था बहुत जोर से, बैक में मारता था बहुत। मेरी मां, मरी हुई मां की कसम है, मैं एक शब्द झूठ नहीं बोल रही, बस इतना कि मैं उस टाइम वीडियो भी बनाया था, तो उसके बंदा जो था मैसूर से, उनका ड्राइवर भाई तैयब, जो वीडियो डाली है ना, उससे उसने वीडियो डिलीट करवा दी है। मेरा फोन, ये जो मेरा आईफोन तोड़ डाल रहा था, मेरे पास प्रूफ था छोटों का मारने का। बीवी हूं, एक्ट्रेस हूं, स्ट्रांग हूं, आप हाथ नहीं उठा सकते मेरे पे, आपको नहीं जम रहा आप अलविदा कीजिए। लोग हमारे पीछे पड़ते हैं, हमसे शादी करने के लिए, प्यार करने के लिए। मैंने आपसे शादी करी आदिल, और आप दूसरी लड़कियों के पास जाने के लिए मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, दूसरी लड़कियों के लिए। अरे जिसके लिए कर रहे उसकी शक्ल तो ढंग की हो, उसको भी नहीं शर्म आई कि आदिल शादीशुदा है फिर भी उसकी जिंदगी में मैं जा रही हूं। मेरे पास ऑडियो है कि, तो आदिल कह रहा है तुम तो शादीशुदा ही नहीं हो, तो जेरॉक्स पेपर है। अरे तुम बेवकूफ हो क्या, खाना नहीं खाती हो, अनाज नहीं खाती हो, इंक्वायरी नहीं की? जब मुझे आदिल के बारे में सब पता चला तो मैंने इतनी इंक्वायरी करी, मेरे आंसुओं से लाश निकल तो नहीं जाएगी ना? कोई बात नहीं, रात को सो नहीं पाती हूं मैं, सॉरी माय स्टाफ, आई एम सॉरी, रोती नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा मुझे अकेले कर देंगे प्लीज, आई रिक्वेस्ट। सो नहीं पाती हूँ रात को मैं, कहीं जाती नहीं हूं मैं। तुम लोग नाश्ता वास्ता कर लेंगे, क्योंकि मैं कन्विंस करना जानता हूं लोगों को, तो कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, क्योंकि तुम 15 साल से बॉलीवुड में हो और तुम जोकर की तरह पेश आई। मैं बोले हाँ मैं जोकर की तरह पेश आई हूँ, हाँ मैंने लोगों को हंसा हंसा के अपना पेट पाला है, मेरे घर वालों का पेट पाला है, मेरी बीमार माँ का इलाज किया है, हाँ मैं जोकर बनी हूं, क्योंकि मेरा कोई गॉड फादर नहीं, मुझे किसी ने आगे नहीं बढ़ाया है, मैं छोटे कपड़े पहन के आगे बढ़ी हूं, मैं मेहनत करके आगे बढ़ी हूं, कोई मेरा अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, कोई मेरा बाप नहीं है जो मुझे काम नहीं दिया है। हाँ इंडस्ट्री में आओ, मेहनत करो, काम करो, मैंने कैसे भी अपनी जगह बनाई है। हैव अ नाइस डे माय लव, थैंक यू, जल्दी जाके, हाँ आप जल्दी आ जाइए, है ना, आज पूरा दिन शूट है, अपना ख्याल रखे, लंच खा लेना टाइम पे, लव यू, टेक केयर।